मैं ना 15 साल स्कूल गया हूँ, तो मेरे को स्कूल जाके ये समझ में आया कि स्कूल जाने का कोई पॉइंट नहीं होता, कोई ना कोई एक यहाँ पे बंदा बैठा है जो ये सोचोगा होता है। पता वो उसके दिमाग में क्यों चल रही है चीज़, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को ये मत बता कि 14 साल चूतिया कटा है मेरा। हम सबका कटा है, मानते हो ना? हम मेजोरिटी चूतिया सुने ऐसे हम मानते हैं। सही में यार, मैं तो ना केवी में पढ़ाऊँ, केवी वन ऑफ द प्रेस्टीजियस स्कूल्स बोला जाता था, टीचर के अफेयर चलते थे। सही में यार, टीचर के क्यों अफेयर चल रहे हैं? सही में, और टीचर इतने हरामी, उनको कोई परवाह नहीं आप पढ़ रहे हो कि नहीं। वो ऐसे दूरबीन लेके घूमते थे, कोई आशिकी ना करे। वो देखता रहता था म्यूजिक रूम में कैसे आशिकी चल रही। अबे तेरे को क्या, तू अपना करना भाई। पकड़ लेते थे, क्यों है इतनी उम्र में आशिकी नहीं करेगा। मैंने बोला सुनो, देखो मैं जाट हूँ, ठीक है? हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये है, जाटों को ना बचपन से ये बताया गया कि तुम चौधरी हो, है ना? बचपन से बताया गया। और हम इतने बेवकूफ़ थे, मैं तो बहुत बेवकूफ़ था, मुझे बचपन में लगता था कि सब होते हैं चौधरी। हाँ, मुझे पता ही नहीं था चौधरी का मतलब क्या, मुझे लगता सभी होते होंगे। भाई एक बार हम ऐसे ट्रैवल करें, मैं और मेरी बहन, तो एक बार हमें कुछ गरीब लोग मिले, हमने बोला आप तो नहीं है ना चौधरी? बोलते नहीं, पर पीट तो हम भी देंगे। बहन जो तू चौधरी है, तुझे उस पता नहीं है। तो उसने जब पकड़ा ना मेरे को, बोला कि इतनी समय में आशिकी कर रहा है। मैंने बोला सुनो ये क्रश है मेरी। मैं भगवान की कसम कह रहा हूँ, उसने इतना मारा ना, बोलता भुसड़ी है मेरी भी दूर रहे उससे। अभी तू अपनी उम्र कैसे करना तू, पीटी सर। सही में यार, पढ़ाई से मेरा तो विश्वास उठ गया था। सही में मैं तो ना बंक मारता था, मैं और मेरे दोस्त थे संचू करके भाई, मैं झूठ मतलब हम लोग ऐसे ना दो दो महीने जाते नहीं थे क्लास में। एक बार हमने कहा कि यार 2 महीने गए, किसी ने पूछा नहीं कहाँ हैं हम लोग। हमने कहा एक बार जाते हैं, वापस गए तो हमने बोला कैन आई कम इन मैम, तो मैम ने ऐसे ना ऐसे ब्लैक बोर्ड पर दोनों का नाम लिख दिया, सौरभ संचू। बोलते ताली बजाओ, ये लोग नए स्टूडेंट्स हैं। वो आराम जाते जानते हैं मेरे को, फिर भी बजा रहे हैं, अरे मजे आएंगे। मैं संचू बोलते नहीं नहीं हम नए नहीं हैं, हम तो बहुत पुराने हैं। तो मैं बोलती फिर 2 महीने कहाँ थे आप? बोलता वो माता आई थी। बोलता आके रुक गई तेरे पास, 2 महीने क्या होता है? तो मैंने बोला नहीं नहीं मैम, वो हम ना ऐसे चौक की तस्करी कर रहे थे। हाँ, तो हम पे इल्ज़ाम लगा तो अंडरग्राउंड हो गए थे। मैम समझ गई ये चूती हैं। हमारे घर पे फ़ोन लगाया, तुरंत बोला कि सुनो इनको संभालो। अब घर वाले तो तुम्हें पता है बचपन में अच्छे नहीं होते किसी के घर वाले। किसी के थे? कोई था हैप्पी परिवार? नहीं था, कोई नहीं था, सबके ही हराम जाते थे, पता नहीं क्यों। अब अच्छे हो जाते हैं, देखा है? अब तुरंत हो जाते हैं कि बेटा आप कैसे हो? अच्छा बेटा, मैं तो सर दीवार पे मार रहा था तू। बेटा हो गया। तो घर में कंप्लेंट हो गई, हमारा बंग मारना छूट गया। पर फिर पता क्या हुआ, हम ऐसे 5th क्लास से 6th क्लास में आ गए तो हम मर्द बन गए थे। पता है क्यों मर्द बन जाते हैं हम लोग 5th से 6th में? क्योंकि ना मैं ऐसे पेंसिल से पेन यूज़ करने लग जाता हूँ। तो हमारे दिमाग में चल रहा था कि मेरा लिखा मिटा नहीं सकता मैं, चुका मर दूँ, कोई मिटा के तो दिखाए। तो हम 6th क्लास में पहुँच गए, तो मैंने संचू को बुलाया, मैंने कहा सुन भाई अब हम मर्द बन चुके। बोलते अभी बने? मैंने कहा हाँ अभी बने, जस्ट अभी। तो एक काम करते हैं, अब ऐसे नहीं करेंगे कि क्लास ही नहीं गए, है ना? अब क्या करेंगे कि हम क्लास के बीचों बीच से बंक मारेंगे, क्योंकि मर्द है ना। बोलते कैसे मारेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, चलो सर मिलते हैं फिर। कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने बोला चिंता मत कर, देख सर ना ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे होंगे, है ना, और हम ऐसे पीछे से चले जाएंगे। बोलता अगर सर मुड़ गए तो? यही दिक्कत है उसकी, लॉजिक लिया था बीच में। हम मर्द हैं लॉजिक पे। तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई, तू फिर कर ले, तू कुछ कर। बोलते चिंता मत कर मैं करता हूँ। हो गया, अगले दिन आया। अब मुझे उस पर भरोसा था, कुछ प्लान बना के आएगा, क्योंकि वो ना जीनियस था। पता नहीं आप लोगों की लाइफ में कोई जीनियस रहा है कि नहीं। जीनियस वो नहीं जिनके नंबर आते हैं, हाँ जीनियस वो जो टीचर के मजे ले जाता है और टीचर कुछ नहीं कह पाती। मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बार क्या हुआ, टीचर आई, फिजिक्स की टीचर थी, वो बोलती है बिग बैंग कैसे हुआ? संचू बोलते मेरे को पता है। और मैम देख रही प्लीज कोई और। प्लीज कोई और पूछ लो। बोलता मेरे को पता है ना, मेरे से पूछना। मैम ने बोला बताओ, झूठ नहीं बोल रहा, खड़ा हुआ ऐसे कहता बूम। मैं बोलती आराम से बाहर निकल। बोलता ऐसे नहीं हुआ था, और ऐसे ही हुआ था जिनको नहीं पता। तो कुछ कह ही नहीं पाई मैम।
तो वैसा था, वो अगले दिन आया प्लान बना के, बोलता है सुन भाई अब हम क्या करेंगे ना, मैंने परफेक्ट बंक मारने का प्लान बनाया। मैंने कहा वो क्या है? बोलता है हम बंक मार लेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं भैंचो ऐसे कैसे हो सकता है? बोलते देख मेरे को फॉलो करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्लान क्या है? बोलता अगर तुझे बता दूंगा तो होगा नहीं। मैंने कहा अरे ठीक है मत बता। ठीक है अब देखो क्लास चल रही है, फर्स्ट पीरियड है, हिंदी की क्लास है, ठीक है, सब शांति में बैठे। संचो हमारी क्लास में ना एक अंकुर करके लड़का था, उसको देखता और ऐसे करता है। तो अंकुर ने भी ऐसे किया, उसके एक मिनट बाद ना ऐसे स्मेल आने लगी क्लास में। झूठ नहीं बोला। तो सब ऐसे कर रहे हैं, सब ऐसे कर रहे हैं, मैम स्मेल आ रही है। मैम बोलती आ तो रही है। संचु खड़ा हुआ बोलता मैम किसी ने कुछ कर दिया। मैम बोलती किसने क्या किया वो बताओ। तो मेरे को क्या पता लगा। अब देखो अगर कोई ना ऐसे मेल टीचर होता वो क्या करता, पीटता किसी ना किसी को कि भैंस बता देखा तुमने, पीटते किसी एक को कि मुखबिरी कर, तो वो करता। पर हिंदी की टीचर थी क्यूट मैम, हर बच्चे को जाके सूंघने लगी वो। भाई सॉरी अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना कि ये क्या घटिया बात कर रहा है, देखो मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ ऑथेंटिक, अंकुर ने किया जो किया। हिंदी की टीचर है हर बच्चे को जाके सुंघ रही है, आप में से नहीं आ रही, आप में से नहीं आ रही। एक को बोलती है आप में से आ रही है, बोलता नहा के नहीं आया, बकवास मत कर आगे बढ़। ऐसे करते करते गई, तो फाइनली ऐसे लास्ट कॉलम था, ठीक है, तो उस तक पहुंची। उसके लास्ट में ना ऐसे अंकुर बैठता था, तो मैम पहुंच गई। तो मैम ना ऐसे करती हुई जा रही सूंघती हुई। भाई उस दिन बहुत सूंघा था मैम, मजाक भी नहीं कर रहा। तो ऐसे करते हुए जा रही, जैसी मैम ना हाफ तक पहुंची, मैम को झोंका लगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, जैसी लगा ना भाई मैम इतनी तेज दौड़ी है आगे, और मैम मतलब स्किप कर दिया मैम को, मैम ऐसी करती हुई गई और अंकुर की गांड फट गई। वो बोलता है मैम डायरेक्ट मेरी तरफ क्यों आ रही है, बोलती आप में से वाइब आ रही है बेटा पता नहीं। तो चूतिया ऐसे बोल रहा है, हाँ हाँ मुझ में कुछ तो बात है। ऐसे पहुंची मैम अंकुर के पास, अंकुर को सूंघो। तुमने अपनी लाइफ में किसी औरत को ऐसे गिरते हुए देखा है? भाई मैं वैसे गिरी है ना, किसी को बैग फेंकना पड़ा कि भैंचो सर ना फट जाए इसका, वैसे गिरी। बच्चे गए, बच्चे सूंघने लगे, बच्चे भी गिर गए। तो संचो बोलता है लगता है जहरीली गैस लीक हुई है। मैम उठी, मैम ने बोला बेटा पहले पानी लाओ। हमने शॉल पहनाई मैम को, मैम को बोला, मैम बोलती है अंकुर को देखिए क्या किया है, बता कुछ नहीं किया। मैम बोलती है सही बता कुछ तो किया, बता कुछ नहीं किया। ठीक है तो मैम बोलती है झूठ मत बोल। अच्छा वो ना थोड़ा चालाक किस्म का था, तो मैम कैसे बोलता है मेरे में से नहीं आ रही स्मेल, आपकी नाक में से आ रही है मुझे। मैम बोलती है बकवास मत कर खड़ा हो बेंच, हिंदी की मैम बेंच बोल रही समझ लो तुम। यार वो जैसे ही खड़ा हो ना, तुम लोग अपनी लाइफ में कभी भीगे हो ऐसे ऊपर से? देखो मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ ऑथेंटिक स्टोरी सुना रहा हूँ, अंकुर ने किया जो भी किया। तुम लोग अपनी लाइफ में भीगे हो ऊपर से नीचे तक, है ना? भीगे हो गए, भीग के कहीं बैठे हो ऐसे? ऑब्वियसली बैठे हो गए ना, पर बैठ के कभी खड़े हुए? खड़े हुए एक देखा तुमने घटिया से आवाज़ नहीं सी यार वो जब वो खड़ा हुआ ना तो ऐसे हो जाए छप, और फिर ऐसे टप टप। तो सब मैम ने बेंच देखी, मैम का दिमाग घूम गया, क्या क्या, क्या कर रहा है क्या है ये? बोलता है ये लिक्विड। मैं बोलती है अरे मतलब क्या है ये, मतलब अच्छा
पहले तो सॉरी, पर मैं एक चीज तुम्हें बताना भूल गया स्टोरी के स्टार्टिंग में. अंकुर जो था ना, वो वैसे कमांड पे हकता था. हाँ, जैसे आप लोग कई चीजें कमांड पे कर सकते हो, मुझे ऐसा यकीन है ना, मैं भी कर सकता हूँ. तो उसके अंदर भी ये शक्ति थी कि जैसे अगर तुम उसे बोलोगे ना हक दे, तो हक देता. तो जब ऐसे संचू ने ऐसे किया ना, तो उसका मतलब वही था कि मिशन ऑन कर. अब मेरे को पता अजीब चीज क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. पर उसको लगता है कि ये चीज उसके बारे में सबको पता है. सही में वो टीचर को आगे से बोल रहा है, मैं कमांड पे रखता हूँ. क्या क्या बोलता है, हाँ आपको तो मेरा पता है. मैं बोलती मेरे को नहीं पता यार, मेरे को क्या पता. मैं बोलती बकवास मत कर, जाए यहाँ से, बकवास कर रहा है. तो वो जाने लगा, और जाता हो ना ऐसे जा रहा चुपचाप अपनी मेहंदी वाली टांग लेके. हाँ देखो, मुझे पता है कई लोग ऐसे बोल रहे हैं छीची छीची पे बात कर रहे हैं. मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ स्टोरी सुना रहा हूँ ऑथेंटिक. हाँ अंकुर ने किया तो ऐसे. तो वो जा रहा और हमें ऐसे देखता हुआ जा रहा, और गंदी गंदी जितनी गंदी हो सकती है दिमाग की चोरी, समझो वो चढ़ी गया. तुम्हारी माँ चुप तुझे, मैंने तो अभी मराठी में देखे तुझे ही चुप. और उसका बनता था क्योंकि वो मैं गाली इसलिए देता था कि तुमने बंग क्यों नहीं मारा. मैंने कहा बंग गए भाड़ में, तुमने हक दिया यार, आप बंग मार लोगे. वो चला गया. मैंने संचू को बोला भाई ऐसे तो बंग तो मार ही नहीं पाए. बोलता है अबे टेंशन मत ले. वो गया हमारी क्लास में, एक अपूर्वा थी, उससे बात करने लगा. इतने में क्या हुआ ना, सेकंड पीरियड हो गया. ठीक है, सेकंड पीरियड था लॉन्डे सर का. अब सिर्फ लड़के रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से. हम सबकी लाइफ में एक टीचर ने जो बहुत मारता है, मर्द खासकर कुत्ते की तरह मारता है, समझो. जब वो मारता है तो ऐसा लगता है कुछ तो दर्द है इसके लिए. इतना क्यों मार रहा है यार भाई. जब वो मारता है ऐसे नहीं लगता कि, जैसे जब वो मार नहीं रहा तो ऐसे लगता है गलती बहुत की, पर जब मारता है ऐसे नहीं लगता इतनी सजा नहीं होनी चाहिए. हाँ तो हमने ऐसे लॉन्डे सर का नाम अपरिचित रख रखा था. तो वो आया और मैं सोचा भाई संचू आया जैसे ही वो लड़की से बात करके. मैंने बोला भाई इसके पीरियड नहीं मार सकते बंग, समझो लॉन्डे सर है भाई. बोलता अब हम मर्द हैं. मैंने कहा छोड़ना, क्यों बनना है मर्द. बोलता मर्द है इसके पीरियड में ही मारेंगे ताकि दुनिया को ऐसा पता चलेगा ना हम मर्द हैं. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने बोला क्या है अब प्लान. तो बोलता देख, मैंने क्या किया ना, अपूर्वा को कुछ बोला है करने के लिए. मैंने कहा प्लीज बता क्या बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, हम एंटरटेन नहीं हो सकते हर बार. बोलता चिंता मत कर देखियो. तो उसने अपूर्वा को ना ऐसे किया. अपूर्वा ने भी ऐसे किया. उसके एक मिनट बाद ना वैसे रोने लगी. और समझ लो तुम, मतलब समझ नहीं रहे होगे कि मतलब धाड़े मार के रो रही है. मैंने कहा बोला मैं संचू को देख रहा हूँ भाई ऐसा क्या बोला कि अपूर्वा रोने लगी. बोलता रुक जाना बताऊंगा पहले बंक मार ले. मैंने कहा ठीक है. लॉन्डे सर गए उसके पास, वो रो रही है. मैंने बोला बंक मार लेते हैं. तो देखो दरवाजे से जाते हैं, कोई बाहर मिल जाता पकड़ लेता. मैंने कहा एक काम करते हैं खिड़की से कूद जाते हैं, कोई नहीं पकड़ पाएगा है ना. तो संचू जिसको मैं फॉलो कर रहा था, संचू भाई कूदने वाले थे. पहले तो इतना जीनियस बंदा है यार, जेब में क्यों नटराज का पेंसिल बॉक्स रख रहा है. देखा तुमने, हर एक लौंडा होता है जो नटराज का पेंसिल बॉक्स था. एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया था भाई क्यों रखता है. बोलता है यार कोई ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बनाने को बोलता है तू, बना पागल है क्या तू. तो ऐसे कूदने वाला था तो ऐसे रखा हुआ था. तो जिनको नहीं पता, जब आप ऐसे बैठते हो कूदने के लिए तो ऐसे गिर गया भाई. इतनी तेज हुई ना आवाज, सब पलटे. वो देखा हॉरर मूवी में नहीं होता ऐसा, लॉन्डे सर पलटे वैसे बोलते स्टैचू. मैंने कहा कूद जा कोई स्टैचू नहीं. वो बोलता है स्टैचू वरना स्टैचू तोड़ दूंगा. हमने कहा रुक जा भाई, ये आए मतलब मुझे पता है ये मारेगा. वो आया, उसने मैं घायल किया. फिर बोलता है अब चलो बाहर. मैंने कहा बाहर क्या करना है, दुनिया का भी तो पता चले ना. मैंने कहा ठीक है. हम ऐसे बाहर गए, बाहर खड़े हुए. जैसे ही बाहर पहुंचे ना, अंकुर खड़ा हुआ था. क्यों खड़ा है. हमने बोला अभी मैम ने बोला था ना जाओ. बोलता मैम ने बताया नहीं ना कहाँ जाना है, तो यहीं पे खड़ा है. लॉन्डे सर उसके पैर देख रहे. क्योंकि क्या हुआ था ना, इतना टाइम बीत चुका था.
कि मेहंदी सूख गई थी, समझ तो मेहंदी सूख चुकी थी, भगवान कसम यार इतना अजीब लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था किसी ने उपले लगा रखे पैर। वो इंग्लिश के टीचर थे तो ऐसे देख रहे व्हाट इज दिस, बोलता ये सॉलिड, बोलता दिमाग मत खराब करो, क्या है ये, बोलता दिमाग जाओ यहाँ से जाओ साफ करके आओगे। आप देखो कोई भी सही तरह का इंसान क्या करेगा, जाएगा है ना टॉयलेट जाएगा और साफ करेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। हराम ज्यादा वहीं पे ऐसे करे, अरे सर झड़ जाएगा ना, देखो झड़ जाएगा झाड़ेगा थोड़ी ना यार, तू खुद चला गया। मैं और संचो ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने बोला भाई अपूर्वा की और हो रही थी बता ना, बोलता है पता है अपूर्वा की और हो रही थी, इतने में ना एक बच्चे की आवाज़ आने लगी हमें रोने की, और वो ऐसे हॉलवे से ना ऐसे जा रहा था सामने से, तो हमने बोला वही इधर क्यों रो रहा है, छोटा बच्चा है तू रोना तो नहीं चाहिए। वो आया और वो दिखने में ना ऐसे लग रहा था, देखा टॉपर किस्म के लोग नहीं होते, देखा जिसने ऐसे बेल्ट लगा रखी थी, टाई लगा रखी होती, शू हैं लेसेस के साथ, देखा ऐसे साइड पार्टिंग कर रखी होती है, आलमंड ड्रॉप लगा रखा होता है। तो हमने बोला इधर आओ आलमंड ड्रॉप, हमने बोला आप टॉपर हो, बोलते नहीं भैया सेकेंड आता हूँ, मैंने वो भोसड़ी के टॉपर ही होता है वो। हमने बोला हमने कहा आलमंड ड्रॉप रो क्यों रहे हो, बोलता भैया क्या हो गया ना, मेरा टॉफी का पैकेट किसी ने चुरा लिया, क्या करूँ मैं, मुझे क्रश को देनी थी टॉफी, क्रश को क्यों देनी है, बोलता है अरे आप नहीं समझोगे, मैंने बता तो सही, बोलता देखो बर्थडे पे हम क्यों लाते हैं टॉफी, दोस्तों को देने के लिए, टीचर को देने के लिए नहीं, हम लाते हैं क्रश को, क्योंकि देखो हम ऐसे सबको एक एक दे रहे होते हैं ऐसे एक एक, हाँ देखा बहुत आप लोग भी बहुत ऐसे क्रश को देते हैं, सिर्फ आपको तो दे रहा हूँ। तो वो बोलता है कि क्रश को देने के लिए लाए हूँ, तो अब क्या करें, तो संचू मेरे को देखता है, बोलता है यार देखो अब हम मर्द हैं, मर्द क्या करता है, असली मर्द क्या करता है, बच्चों की मदद करता है, तो इसकी मदद कर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मतलब कहाँ कहाँ पे तुमने चेक कर लिया, बोलता है भैया देखो मैंने टीचर्स के जो रूम होता है हर रूम में चेक कर लिया, हर बच्चे का बैग चेक कर लिया, हमने फील्ड्स में चेक कर लिया, हमने टेरेसेस पे चेक कर लिया, हमने टॉयलेट्स पे चेक कर लिया। मैंने कहा ठीक है आलमंड ड्रॉप, फिर आप अपने रास्ते जाओ, क्या मैं क्या बता दूं भाई। तो संचू बोलता है नहीं नहीं भाई देख सुन, अगर मैं चोर होता मैं क्या करता ना, चोरी का सामान अपने पास नहीं रखता, ऐसी जगह पर रख देता जहाँ पर कोई नहीं आता, तो जैसे ही कोई नहीं आता फिर जैसे ही मामला शांत होता वहाँ पर जाता ले लेता। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी जगह है हमारे स्कूल में, बोलता है वो नहीं है कैंटीन, भूतिया कैंटीन उधर रखा होगा। हाँ हर स्कूल में एक भूतिया जगह होती है, देखा हमारे में कैंटीन थी वहाँ पे ना, ऐसे बहुत साल पहले ना जब वो बनी बनी थी कैंटीन, तो वहाँ पे कोई ऐसे समोसे तल रहा था गिर गया मर गया। हाँ पहले पता नहीं होता था लोगों को कैसे कढ़ाई गर्म होती है, आजकल लोगों को पता है। तो वहाँ पे हम गए, मैंने बोला अब अंदर कौन जाएगा, क्योंकि देखो हम दो मर्द हैं है ना। तो संजू बोलता तू चौधरी है, मैंने कहा तू भी है जा। तो वो गया, 5 मिनट तक आ ही नहीं रहा, आया और भाई डर के मारे उसका चेहरा वैसा रखा था, हमारी गांड फटी कि क्या हो गया। बोलता है भाई यार मैंने ऐसी चीज़ देखी ना, मैंने कहा क्या हो गया, बोलता है यार दो पैरों वाले भूत थे। हाँ हाँ एक लौंडे सर जैसे दिख रहे थे, एक कोई फीमेल थी जिसने बेबी पिंक पहन रखा था। हाँ मैंने कहा वो हिंदी की टीचर प्रज्ञा मैम ने तो पहन रखी थी, बोलता हाँ हाँ वैसा ही बेबी पिंक पहन रखा था। बोलते और वो लोग कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बोलते पता नहीं कुछ तो कर रहे थे। मैं बता दो सी क्या कर रहे थे, तो आलमंड ड्रॉप बोलते हैं अरे भैया वो सेक्स कर रहे हो। भाई मैं भगवान कसम कह रहा हूँ मुझे पता ही नहीं था सिक्स तक सेक्स क्या होता है। मैं उससे पूछूँ सेक्स क्या होता है, बोलता है अरे मेरी उम्र क्या होगी पता लग जाए, मैंने भोसड़ी है तेरी उम्र पार कर तू साले फर्स्ट क्लास में देखो कैसे पता सेक्स क्या होता है। तो बोलता है तो संचू बोलता है भाई इधर तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर, तो बोलता है देख अगर मैं चोर होता मैं क्या करता, चोरी का सामान अपने पास नहीं रखता, मैं क्या करता ना ऐसे स्कूल के बाहर फेंक देता ना, जब सब कुछ शांत होता स्कूल के बाहर जाता ले लेता। मैंने कहा सही है, मैंने कहा चलो स्कूल के बाहर, स्कूल के बाहर जा रहे हैं हम लोग,
और मैंने संजू बोला भाई बता ना अपूर्व क्यों रो रही थी। बोलते यार इस बच्चे का पहले ढूंढवा दे, बता दूंगा अपूर्व क्यों रो रही थी, क्यों टेंशन ले रहा है। इनका ठीक है। और पता है हमारी दो कारणों से गांठ फट रही थी, एक तो क्यों मेरी मतलब मेरी फट रही थी क्योंकि मुझे जानना था अपूर्व क्यों रो रही थी, दूसरा है क्योंकि लौंडे सर की क्लास चल रही है अभी भी। हमने उनकी क्लास में ऐसे गए हैं हम बाहर, समझो हमने कहा टाइम से पहुँचना है वापस वरना ये आदमी अपाहिज कर देगा हमें, समझो। तो हम ऐसे स्कूल के बाहर पहुँचे, हम देख रहे हैं ऐसे बाउंड्री पे ऐसे जाते हुए, कुछ नहीं दिखा। गेट के जस्ट बाहर ना एक भिखारी बैठा था, वो बंदा बैठा हुआ था, हम उसके पास पहुँचे, हमने बोला अंकल ये टॉफी आपको किसी ने दी है? बोलता हाँ। हमने कहा किसने दिया? झूठ नहीं बोल रहा, उसने ये रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स है ये? मैंने कहा अंकल ये चॉकलेट आपको किसी ने दी है? बोलता हाँ। मनुष्य ने दिया? बोलता हाँ। मैंने कहा किसने दिया? अभी बता देना किसने दिया है। और हमारा दिमाग घूम रहा है, भैंचू क्या आदमी है इतने में ना। क्या संचो बोलता देख भाई एक बार टाइम पूछ ले इससे, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना है ना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने उससे बोला भैया टाइम कितना हो रहा है? उसने घड़ी देखी, और हाँ घड़ी थी उसके पास, था कुछ तो चोरी की होगी पता नहीं। उसने घड़ी देखी, हमें देखा और कुछ नहीं बोल रहा। हमने बोला अंकल टाइम कितना हो रहा है टाइम? उसने घड़ी देखी, हमें देखा, कुछ नहीं बोल रहा। हमने कहा अंकल अंकल टाइम बता दो। मैंने कहा टाइम बता देना। संजू गुस्सा हो गया, तो भोसड़ी का टाइम बताना, मैं जो नहीं बताना तो घड़ी क्यों देख रहा है? मैं जो बोलता है यार मैं घड़ी इसलिए देख रहा हूँ कि कितने मिनट और लगेंगे तुम्हें ये समझने में, मैं तुम्हारे चूते काट रहा हूँ। तो इतने में गार्ड आ गया, गार्ड बोलता है अरे ये पागल है। तो मैंने बोला आपको कैसे पता? बोलता है ये मेरा दोस्त है। हाँ एक्चुअली हम लोग ना एक्स के वी स्टूडेंट्स हैं, हम इसी स्कूल से पास आउट हैं। मैं तो जीनियस था तो मैं आगे निकल गया, ये नहीं था भाई। मैंने संजू को बोला प्लीज क्लास चल भाई, गांड फट जाती है। अब मेरे को डर इसलिए नहीं लग रहा था कि मैं इसके जैसा बनूंगा, मेरे को डर ये लग रहा था कि जल्दी पहुंचना है यार वरना लॉन्ड डिसन मार देंगे, क्योंकि मुझे पता है टाइम अप होने वाला है। तो हम लोगों ने कहा कि चलते हैं जल्दी, तो हमने बोला आलमंड ड्रॉप सॉरी हम कुछ मदद नहीं कर सकते। बोलता यार मैं क्या दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को, प्लीज़ मदद कर दो। मैंने जेब में ऐसा हाथ डाला तो मेरे पास अमरूद था। हाँ अमरूद नहीं खाया आपने कभी? हाँ जेब में रखते थे हम, तो ऐसे दोनों अमरूद रखते थे, खुश होते थे कि देखो क्या है। तो मैंने ऐसे अमरूद तोड़ा, आधा अमरूद दे दिया। मैंने कहा सुन अपनी क्रश को ना ऐसे आधा अमरूद दे देना, क्या पता इंप्रेस हो जाए। बोलता ऐसे हो जाएगी? मैंने कहा हो जाएगी, अब मेरे को पता है चूतिया कटेगा इसका जाने में। वो गया, हम भी दौड़ते हुए जा रहे हैं कि भाई क्लास ख़त्म ना हो जाए, जितनी जल्दी दौड़ पा रहे हैं उतनी जल्दी जा रहे हैं। ऐसे गए, जैसे ही हम ऐसे टर्न करने वाले थे ना, उससे जस्ट पहले मैंने ऐसे बोला कि भाई बताना प्लीज़ अपूर्व क्यों रो रही थी। तो यहाँ पर गांड फटी है बहनचोद, तुम बता दूंगा ना पहले पहुँच ले। कहा ठीक है। जैसे ही हम मुड़ने वाले थे बेल बजी, हमने कहा अब तो गए क्या करेंगे। हमें दिखा लौंडे सर ऐसे क्लास से निकल रहे, हम ऐसे छुपे रहे ऐसे कॉरिडोर में, लौंडे सर ऐसे आए ऐसे चले गए। हम वापस क्लास में गए, क्लास में जैसे ही पहुँचे ना सारे के सारे लौंडे आके ऐसे छाती में मारे, भाई तू मरते है। हमने कहा हम हैं पर पता तो सही क्यों है। बोलता कोई मर्दी ऐसा नहीं कर सकता कि लौंडे सर की क्लास में बंग मारते हो पकड़े गए उसके बाद बंग मार दिया, भाई तुम असली मर्द। बोलता कि मैंने इतना लौंडे सर को कभी गुस्सा नहीं देखा, वो फोन लगा रहे थे कि इनकी माँ चूत दूंगा रुक जाओ। मैंने कहा सही में यार इतना गुस्से में नहीं देखा। मैंने कहा भाई मैंने संजू बोला प्लीज घर चलते हैं, ये मार देगा सही में, अपाइज वपाइज कर देगा यार, मजाक नहीं है। तो बोलता कैसे जाओगे? बैग तो उन्होंने लेके गए हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस, क्या करें अब चलते हैं भाई, पिटना है जो भी होना है चलते हैं। हम गए ऐसे प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं, मैंने संजू बोला भाई प्लीज बताना अपूर्व क्यों रो रही थी। बोलता भाई प्लीज चल ले यार, पहले ये निपटाते हैं फिर बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। हम पहुंचे, जैसे हम पहुंचने वाले थे ना, हमने क्या देखा, लौंडे सर खड़े हुए थे, प्रिंसिपल खड़ी हुई थी, प्रज्ञा मैम खड़ी हुई थी हिंदी की टीचर, एक औरत खड़ी हुई थी जिसे हम नहीं जानते, और दो ठुल्ले थे, हाँ पुलिस वाले। हाँ मुझे भी नहीं पता था ठुल्ले बोलते हैं, पता है। हाँ मैंने भी संजू का ऐसे बोला अभी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं अभी ठुल्ले
मैंने कहा इनको ठुल्ले बोलते हैं? बोलता हाँ, जैसे ही पहुंचे ना सबसे पहली चीज यही पूछना। मुझे क्या पता मजे ले रहा है। मैं जैसे ही वहां पे पहुंचे सबसे पहली चीज मैंने ऐसे प्रिंसिपल को देखा, बोली मैम ये ठुल्ले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ठुल्लों ने ऐसे देखा, ये तमीज है इनकी, अच्छा ऐसे कौन बात करता है? वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा टीचर के अफेयर में जो क्या ही, हाँ मैंने कहा कुछ नहीं है। तो बोलते गए कि तमीज नहीं सिखाई आपने इसको, तमीज सिखाओ इसको, कुछ तो सिखाओ। तो प्रिंसिपल को ना दिमाग घूम गया, प्रिंसिपल ऐसे बोल रही तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की, है तमीज सीखो। ठुल्लो ऐसे तमीज से बात किया करो, ठीक है? मैंने कहा आपको नहीं दिखना। मैंने कहा ठीक है सॉरी। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? जो औरत थी ना वैसे बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है? क्या कौन बच्चा? बोलती मेरा संजू कहाँ है? उनका हम किसी संजू को नहीं जानते। बोलती क्या तुम ही, तुम बता दो प्लीज बता दो बेटा तुमने किडनैप किया। मैंने कहा आप देख रहे हो हमारी खुद किडनैप, मतलब हमारी उम्र है किडनैप होने वाली, हमें क्या पता? बोलती क्या प्लीज बता दो संजू कहाँ है। उसने ना बेबी पिंक पहन रखा, तो मेरे को शक था उस पर, पता नहीं क्यों। तो मैंने बोला कि मैंने, हमें नहीं पता मैम संजू है कौन, पहले तो बताओ। पुलिस वालों ने ऐसे निकाली फोटो और ऐसे बोला ये। मैंने कहा ये तो आलमंड रॉप है, झूठ नहीं बोला। पुलिस वालों ने ऐसे देखा उस औरत को, इसका नाम सही क्यों नहीं बताया हमने? वो बोलते पकड़ो मेरा बच्चा है ये, संजू नाम है इसका। तो पुलिस वाला ना संजू को साइड में लेके गया, बोलता सुनो ले दे के कुछ कर लेते हैं। संजू ने ऐसे जेब में हाथ डाला, बोलता है सर 10 रुपए। तो बेंचो पुलिस को 10 रुपए देगा तू? हम यहाँ पे पागल हैं? मेरे पास आया, बोलता तुम्हारे पास है? मैं जेब में हाथ डाला तो आधा अमरूद था। मैंने कहा ले लो सर। बोलता है कहाँ डालेंगे बेंचो, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये सब क्या दे रहे हो तुम बेंचो? तो हमने कहा यही है सर, लेना है तो लो वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने ले लिया आधा अमरूद ले लिया जेब में। मैंने बोला सर सच तो सुन लो। बोलता है सच गया गांड, हो गया हमारा। मैंने कहा ठीक है। तो बोलती कहाँ है? मैंने कहा क्लास में होगा। तो वो बोलता है जाओ लेके आओ। तो एक ठुल्ले को उसने भेजा, मतलब पुलिस वाले को भेजा। अब वो रोना धोना चल रहा है और मेरे दिमाग में चल रहा है क्या चल रहा है भाई। वापस में टीचर्स बात कर रहे हैं कि इनको रेस्टिगेट कर देते हैं। हाँ मेरे को ये लग रहा है कि यार क्यों करना है, प्लीज सॉरी। मैं सोच रहा हूँ, मैं बोला संजू भाई सॉरी मांग ले क्या? बोलता हम मर्द हैं। मैंने कहा औरत बनने में ज्यादा फायदा नहीं है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? बोलता हम मर्द हैं चिंता मत कर। मैंने कहा ठीक है। तो वो आई, बच्चे को लेके आए वो लोग, आपस में इनकी लड़ाई वड़ाई चल रही। वो जैसे ही बच्चा आया पुलिस वाले गए, सबसे पहली चीज उन्होंने पूछी ये भैया इन्होंने आपको किडनैप किया? बोलता है नहीं। बोलता है तो आप कहाँ थे इतनी देर से? बोलता है ये भैया मेरी मदद कर रहे थे। बेसिकली मेरा टॉफी का पैकेट चोरी हो गया। टॉफी का पैकेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप क्रश को देते हो, आपको शायद पता नहीं होगा। बोलता पता है। बोलता है कि तो वो सब ढूंढवा रहे थे। तो बोलता है कि इसलिए हम लोग थे। बोलता है और आपकी मम्मी को लगा आप किडनैप हो गए, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आप ऐसे जा रहे थे। तो बोलता है सॉरी सर। तो बोलता है कि वैसे आपका नाम क्या है? तो बोलता है आलमंड रॉक। मतलब बोलता सही में नाम आलमंड रॉक? बोलता नहीं मजाक करो। बोलता भैंस मजाक चल रही है फिर, ये साले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, चूतिया हम। तो पुलिस वाले बोलते अरे सॉरी। मैंने कहा ऐसे नहीं कर, सॉरी बोल के थोड़ी ना करेगा यार, मेरा आधा अमरूद दे मेरे को वापस दे भाई। सॉरी क्या बोल रहा है भाई, वो देने को तैयार नहीं हो रहा। तो बोलता देखो डील हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम भाई। वो चला गया, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्रिमिनल केस चल रहा है बीच में, कोई नहीं, छोड़ के चला गया। हम ना दो पुलिस वाले को जाते हुए देख रहे थे यार। एक तो बताया पुलिस वाले, देखा तुमने कैसे जाते हैं? देखा है ऐसे क्यूट से लगते हैं, देखा ऐसे हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं। देखा कभी पुलिस वाले को जाते हुए? बहुत ही क्यूट से लगते हैं, ऐसे हाथ में हाथ डाल के जा रहे हैं, ऐसे बहुत रोमांटिक सा फील होता है देखते हुए। तो मैं देख रहा, तो जो लेफ्ट वाला ठुल्ला था, बेसिकली मेरा ठुल्ला था वो, तो उसने उसने ऐसे राइट की जेब से ऐसे आधा अमरूद निकाला और ऐसे एक बाइट ले लिया, और फिर ऐसे राइट वाले ठुल्ले को ऐसे एक बाइट ली। और संजू और मैं देख रहे हैं, संजू बोल रहे हैं यार तू मेरा झूठा नहीं खाता? मैंने कहा नहीं खाऊंगा मैं, मैंने झूठा क्यों खाऊंगा? और मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद दोस्त नहीं है। बोलता है हाँ वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुझे क्या पता। भाई वो चलेगा ऐसे, वो चुपचाप ऐसे जा रहे, और वो ना ऐसे रोमांटिक सा देख रहा है, हम ऐसे सनसेट सा हो रहा है।
हाँ वो ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे ना दी एंड लिखा जाए, परफेक्ट एंडिंग हो जाएगी। वो गायब हो गए धुंध में, उसके बच्चे को मिलाए वहाँ से, वो खुश हो रहे। जो प्रिंसिपल थी वो सोच रही हमारा क्या करना है, ठीक है। एक वो आया, तुमने देखा वो जो रिंग बजाता है, कौन होता है वो, जो भी होता है प्यून, है ना, प्यून आया। वो बोलता है मैम आपका क्लचर मिल गया। हम देख ले ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, क्या क्लचर। और तो मैम बोलती कहाँ था, वो बोलती है वो कैंटीन के बाहर था मैम। उसको दिया। हम ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या था भाई, हमारे साथ क्या हुआ। टीचर्स को भी समझ आ गया कि कुछ तो हमने चुतियाब कर दिया, ठीक है। तो टीचर आई, प्रिंसिपल मैम, बोलती क्या कि सुनो हमने बात कर लिया एंड वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज बिकॉज हमें नहीं पता था, हमें लगा तुमने इस बच्चे को किडनैप किया, तुम इस बच्चे की मदद कर रहे थे, सॉरी। हमने कहा सॉरी से क्या चलेगा, यहाँ पे हमारे ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हो आप, सॉरी से काम नहीं चलेगा। बोलते एक काम करो, एज एन अपॉलोजी कल मत आना। मैंने कहा बेस्ट है ये तो। बोलते इनफैक्ट आज चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल मत आना, छुट्टी है तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा। अब देखो मैं जीनियस के साथ रहता था, पता नहीं क्यों आउट ऑफ द ब्लू मैंने ऐसे देखा लॉन्डे सर को, और मैंने आलमेटॉक को बोला आलमेटॉक तूने लॉन्डे सर का बैग चेक किया था। बोलता लॉन्डे सर का बैग कौन चेक करता है, पागल हो क्या, जख्मी कर देंगे मुझको। क्योंकि मैं जीनियस के साथ ना, मेरा इतना दिमाग तेज चलने लगा, मेरे दिमाग में आया एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉन्डे सर अपनी क्रश से मिलने वाले थे और वो कुछ लाना भूल गए जैसे क्रश को देते। तो उन्होंने सोचा क्या करें, इस बच्चे की टॉफी का पैकेट चुरा लेते हैं और दे देते हैं, पर वो फंस गए थे क्योंकि हमने देख लिया था। तो शायद अभी भी टॉफी का पैकेट उनके बैग में होगा। और मैं जा ही रहा हूँ सोचते हुए, मैंने ऐसे ना कंधे पे हाथ मारा संचू के, मैंने कहा भाई शायद मुझे पता है कि किसने टॉफी का पैकेट चोरी किया। संचू ने ऐसे बैग आगे किया, ऐसे खोला, बोलता मैंने। तूने कैसे किया बता तो सही कैसे। मैंने कहा यहाँ पे मैं इतना मस्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्या था ये। बोलता देख यही तो परफेक्ट बंक है। मैं समझा नहीं, मैं बोलता देख यही तो परफेक्ट बंक है ना, हम क्या करेंगे, इस बच्चे का मैंने टॉफी का पैकेट चुराया, ठीक है, और उसके बाद बंक मारने की कोशिश की। बंक मारते हुए जानबूझ के हम पकड़े गए। तुझे क्या लगता है मेरे को सही में ज़रूरत है ऐसे, जानबूझ के हम पकड़े गए। टीचर ने हमें सजा दी, हम बाहर थे, ठीक है, मुझे पता था वो बच्चा आएगा जिसका टॉफी का पैकेट चुराया, हम उसकी मदद करेंगे जानबूझ के। हम बहुत देर तक ऐसे घुमाते रहेंगे, टीचर्स को लगेगा ये बंक मारने, वो हमें सजा देंगे, पर हम जो बताएंगे कि हमने इस बच्चे की मदद की है तो उनको बुरा लगेगा और बोलेंगे कल मत आना। तो हो गया ना परफेक्ट बंक। एक दिक्कत है इसमें, मैंने कहा अगर हम नहीं अगर हम बंक मारते हुए पकड़े नहीं जाते तो भी तो बंक होता। बोलता इसलिए तू जीनियस नहीं बोल सड़ी गए। मेरा इतना दिमाग घुमा, मैंने कहा बात नहीं करनी यार इससे, क्या पागल है मेरा, मैं ऐसे जा रहा हूँ और वो टॉफी खा रहा है अपनी। बोलता मेलोडी खानी है चॉकलेट। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। मेरा दिमाग घूम रहा और ऐसे ही देखता जा रहा और भिखारी को देख रहा हूँ, भिखारी हंस रहा। मैंने कहा हंस क्यों रहा है, और फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इसलिए हंस रहा था वो क्योंकि मैं ऐसे समझ लो शर्लॉक बना घूम रहा हूँ कि बताओ खूनी कौन है, मैं जो यहाँ पे है खूनी मेरे, उसको पता था ये बात और वो हंस रहा है। बोलते क्या कितने मिनट लगे। मैंने बोला 35 मिनट लगे ये समझने में कि मेरा चूतिया कट गया। देखो यहीं पे स्टोरी खत्म होती है, पर स्टोरी की पता मजेदार बात क्या है। नहीं सुनो सही, स्टोरी की मजेदार बात यह है कि तुम लोग भी एग्जैक्टली 35 मिनट से ये स्टोरी सुन लो। देखो ये स्टोरी बहुत डेंस है, थोड़ी लंबी है, इसलिए लोगों को ना ऐसे थोड़ा बहुत गुम हो जाते हैं उस स्टोरी में। आप देखो जो मैंने वादा किया था, जिसको जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ क्या क्या आराम से अपूर्वा। और दो रोटी आलू की सब्जी और बहुत सा
चाहिए। बारा, बा, बारा, 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 बारा,